ना कश्मीर फाइल का एक भी पोस्टर नहीं है, ना आगे कहीं भी कुछ पोस्टर नहीं लगा। आप लोग जमाने भर की मूवियाँ देखते हो, हॉलीवुड की मूवी देखते हो, बॉलीवुड की मूवी देखते हो, मनोरंजक एंटरटेनमेंट के लिए आप जमाने भर की आपने मूवियाँ देखी होगी। लेकिन अगर आप हिंदू हो और आपने अभी तक द कश्मीर फाइल नहीं देखी है, जरूर से देख लेनी चाहिए। ये आपका निकट भविष्य हो सकता है, जो कि 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ में हुआ था। पंडित तो सिर्फ बोलने के लिए, वहाँ पे सारे हिंदुओं के साथ में हुआ था, उसमें सिख भी थे, बौद्ध भी थे, दलित भी थे, बस पंडितों की तादाद थोड़ी ज्यादा थी तो लोग कश्मीरी पंडित बोलते हैं। जिन्होंने कश्मीर को बसाया, जिन्होंने कश्मीर को बनाया, उन्हीं लोगों को उनके घर से निकाल दिया गया। ये एक ऐसी विडंबना है देश की कि वो अपने ही देश में, अपने ही घर के अंदर एक शरणार्थी बन के रह गए और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये पिक्चर आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। आपका भाई कल देख के आया मूवी, और इस मूवी में सबसे ज्यादा अगर हिपोक्रेसी देखने को मिली सिनेमा हॉल की तरफ से, तो वो ये कि यहाँ पे द कश्मीर मूवी का एक भी पोस्टर नहीं लगाया, जबकि अपकमिंग मूवी उनके पोस्टर लगे हुए हैं। कश्मीर फाइल का एक भी पोस्टर नहीं है, ना आगे कहीं भी कुछ पोस्टर नहीं लगा। एक भी पोस्टर नहीं है कश्मीरी फाइल का, कश्मीर फाइल इतना दोगलापन, इतना दोगलापन। पहली बात तो काफी सिनेमाघरों के अंदर ये मूवी चलाई नहीं गई है, और जहाँ चलाई गई है वहाँ इसका ना तो प्रमोशन हो रहा है, ना पोस्टर लगाया गया है। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं उन लोगों के साथ। पूरी मूवी के अंदर सच्चाई दिखाई गई है, जो घटना घटित हुई है उन्हीं के बारे में बताया गया है। यहाँ पे किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला गया, जो गुजरा है अगर सच को देखना और सच को दिखाना। भी गलत है इस देश के अंदर, तो मुझे नहीं समझ में आता है कि फिर लोगों का क्या होगा। और खास तौर से हिंदुओं को, जो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, जैसे एक कबूतर आंखें बंद करके बैठा होता है कि उसको लगता है कि उसको कोई नहीं देख रहा, लेकिन बिल्ली झपट्टा मार के चली जाती है। तो ऐसे ही हमारे हिंदुओं की, जो सनातनियों की जो हालत है, उस कबूतर की तरह है। फेक न्यूज दिखाना इतना खतरनाक नहीं जितना सही न्यूज़ छुपाना। न्यूज़ ही फेक है तो सोचो हिस्ट्री क्या होगी। और मेरी आप सब लोगों से विनती है, आप 200 रुपए की टिकट खर्च करके एक बार मूवी जरूर देख लीजिए। अगर नहीं जा सकते हो, अगर समय नहीं है आपके पास, तो ऑनलाइन टिकट बुक करके सीट खाली छोड़ दो, इतना तो आप कर सकते हैं, देखना नहीं चाहते। आखिरी में जाते जाते मैं एक बार फिर बोलूंगा कि इस मूवी को ज्यादा से ज्यादा देखिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ देखिए, अपनी फैमिली को दिखाइए। अगर आप देख सकते हैं तो जरूर से देखिए, हर हिंदू को देखनी चाहिए, और इसका प्रमोशन कीजिए, क्योंकि सारी अलगाववादी ताकतें, देशद्रोही ताकतें इस पिक्चर को सक्सेसफुल होने में रोकी हुई है। तो आपका और मेरा कर्तव्य बनता ही है, खास तौर से राष्ट्रवादी लोगों का। आप मूवी देखिए, उसका स्क्रीनशॉट मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए, मैं उसको अपनी स्टोरी में लगाता हूँ, अपने यूट्यूब स्टोरी में लगा दूंगा, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लगा दूंगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि इस मूवी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सिनेमा में जाके देखें। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।